पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मंडी टैक्स अधिक वसूले जाने पर लंबे समय से चल रहे विरोध के बाद भी शासन द्वारा शुल्क कम नहीं किए जाने से नाराज कपास व्यापारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। मंध्याचल काटन जीनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को मंडी व्यापारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां मंडी व्यापारी संघ के बैनर तले प्रदेश में 0.50% मंडी टैक्स कम करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में शासन व्यापारियों की मांग पर निर्णय नहीं लेता है तो 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल को बाध्य होंगे। संघ के मन्नालाल जायसवाल ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में जहाँ 0.25% मंडी टैक्स है वहीं मध्य प्रदेश में 1.70% राशि टैक्स के रूप में वसूली जा रही है जिससे प्रदेश में जीनिंग कारोबार पलायन की स्थिति में है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एमपी में मंडी टैक्स सर्वाधिक 1.5% है और 20 पैसे निराशित है। ऐसे 1.70 पैसे मंडी हम लोग व्यापारियों को लग रहा है। हड़ताल कर रहे हैं ना। 3 तारीख को हमने सांख्यिकी हड़ताल रखी थी, 11 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मंडी टैक्स कम करने के लिए। क्या नाम है आपका? मन्नालाल जायसवाल। विषय है जो हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं, मंडी टैक्स नहीं है, मंडी शुल्क है। शुल्क की परिभाषा ये होती है कि सेवाओं के बदले लिया गया कर, टैक्स, मतलब टैक्स नहीं शुल्क। तो ये जो शासन द्वारा शुल्क, मंडी शुल्क लिया जा रहा है, ये जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक कानून एक देश इसके तहत जीएसटी को लाया गया था, क्योंकि उसके तहत प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रयास किया गया था और कृषि, क्योंकि किसी परिस्थिति बस वो कृषि कानून लागू नहीं हो पाया। इसके कारण क्या हुआ कि प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में जो मंडी का शुल्क लिया जाता है उसमें एक रूपता नहीं है, उसमें कई असमानताएं हैं। पड़ोस के राज्यों की बात करें, गुजरात महाराष्ट्र, वहाँ 25 पैसे से 50 पैसे हैं और उसके साथ ही जो किसान अपना माल सीधे व्यापारी इंजीनियरिंग फैक्ट्री में लाते हैं उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं आरोपित होता है। चूंकि प्रदेश में मंडी के अलावा भी जो मतलब माल खरीदा है, बिल से भी माल खरीदा जाता है अन्य प्रांतों से, उस पर भी शुल्क लिया जाता है जो एक अनुचित है। इसके कारण यहाँ की कपास इंडस्ट्री, जीनिंग इंडस्ट्री को दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही। इसी को रोकने के लिए और व्यापार में एक रूपता लाने के लिए हम सभी व्यापारियों ने तय किया है कि 11 अक्टूबर से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर जाएंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र गांधी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।